दोस्तों आज मैं अनब्रेकेबल ट्रिलॉजी की अनब्रेकेबल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैंने इस मूवी के स्टैंड अलोन सीक्वल स्प्लिट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आप उस मूवी की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो इस मूवी की कहानी के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक कॉमिक बुक को कम से कम 35 पन्नों की होती है, जिसमें 134 चित्र होते हैं और उसकी प्राइस $1 से लेकर $1,40,000 तक होती है। साथ ही अमेरिका में हर दिन 1,72,000 कॉमिक बिकती हैं और एक कॉमिक पढ़ने वाला आदमी अपनी लाइफ का कम से कम 1 साल कॉमिक पढ़ने में बिता देता है। फिर हमें 1961 का सीन दिखाया जाता है जहां एक फैमिली में बच्चा पैदा होता है जो लगातार रोए जा रहा था। फिर जब डॉक्टर उस बच्चे को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसकी कई हड्डियां जन्म के वक्त टूट गई थीं। इस बात से उस बच्चे की मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। फिर प्रेजेंट में डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था। उसी समय डेविड का बेटा जोसेफ न्यूज में देखता है कि उसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ डेविड की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहां पर उससे पूछताछ की जाती है और बताया जाता है कि जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है उसमें उसके अलावा सिर्फ एक और आदमी बचा है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन सब लोग इस बात से हैरान थे कि डेविड को एक खरोंच तक नहीं आई थी। फिर जब डेविड बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर हमें पता चलता है कि डेविड और उसकी वाइफ के बीच इस दौरान काफी अनबन चल रही है। फिर डेविड अगले दिन चर्च में पहुंचता है। वहां पर ट्रेन में मरे हुए लोगों के लिए प्रेयर की जा रही थी। फिर जब डेविड वापस अपनी गाड़ी में आता है तो वहां पर उसे एक लेटर मिलता है। इसमें लिखा हुआ था कि तुम अपनी लाइफ में कितनी बार बीमार हुए हो। साथ ही उसमें डेविड को कॉमिक बुक की लिमिटेड एडिशन में बुलाया गया था। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि डेविड एक कॉलेज के फुटबॉल स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और क्योंकि उसे याद नहीं था कि वो पिछली बार कब बीमार हुआ था, इसीलिए वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि पिछली बार उसने बीमारी के लिए छुट्टी कब ली थी। इस पर वो बताती है कि ये रिकॉर्ड सुपरवाइजर के पास है। फिर जब वो काम से वापस जाने वाला होता है तभी उसके पास सुपरवाइजर पहुंचता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी पेमेंट $40 बढ़ा दी गई है क्योंकि तुमने पिछले 5 सालों में कभी भी बीमार होने के लिए छुट्टी नहीं ली है। इसके बाद डेविड घर पहुंचकर अपनी वाइफ से भी इस बारे में पूछता है, लेकिन उससे भी याद नहीं होता कि डेविड कभी बीमार भी हुआ है। इस बात से डेविड खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें 1974 का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलिजा खेलने के लिए बाहर नहीं जा रहा था क्योंकि लगातार चोट लगने की वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसे मिस्टर ग्लास बुलाते थे क्योंकि उसकी हड्डियां ग्लास की तरह टूट जाती थी। ये देखकर उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आज तुम डर गए तो तुम्हें जिंदगी भर इसी तरह रहना पड़ेगा। फिर उसकी मॉम उसे गिफ्ट देने के बहाने बाहर ले जाती हैं, जहां गिफ्ट में वो एलिजा को एक कॉमिक बुक देती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम जब भी बाहर आओगे मैं तुम्हें ऐसी ही कॉमिक बुक दूंगी। इसी इंटरेस्ट की वजह से प्रेजेंट में एलिजा अब एक कॉमिक बुक एक्सपर्ट बन चुका था और क्योंकि डेविड को लेटर में उसी आर्ट गैलरी का एड्रेस दिया गया था इसीलिए डेविड वहां पर पहुंचता है और एलिजा से लेटर के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वो लेटर एलिजा ने ही डेविड की गाड़ी में रखा था। फिर एलिजा डेविड से पूछता है कि क्या आपको कभी चोट लगी है। इस पर डेविड उसे बताता है कि हाँ, जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद मेरा फुटबॉल खेलना बंद हो गया। यह सुनकर एलिजा बताता है कि शहर में आए दिन बहुत सारे हादसे होते रहते हैं लेकिन जैसे कॉमिक्स में हीरो आकर लोगों को बचाता है वैसे आज तक कभी नहीं हुआ है, पर जब तुम ट्रेन हादसे में सही सलामत बच गए तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारे अंदर वो खूबी है जो तुम्हें एक हीरो बनाती है। इसके बाद एलिजा अपने बारे में भी बताता है कि अब तक मेरी हड्डियां 54 बार टूट चुकी हैं। इसीलिए मुझे लगा कि अगर मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में हो सकता है तो मेरे अपोजिट भी कोई जरूर होगा जिसकी हड्डियां कभी ना टूटे, लेकिन हो सकता है उस आदमी को इस बारे में पता ही ना हो। इसीलिए मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिससे वो हम जैसे आदमी को प्रोटेक्ट कर सके। ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद डेविड के बेटे जोसेफ को लगता है कि शायद उसके डैड एक सुपर हीरो हैं, लेकिन एलिजा उसे समझाता कि मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये सारी बातें डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि एलिजा उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में डेविड की वाइफ डेविड से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है और वो इस चीज के लिए मना कर देता है। फिर वो डेविड से कहती है कि हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। इस पर डेविड इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जब डेविड अपनी जॉब पर होता है तो वहां पर उससे मिलने के लिए एलिजा पहुंचता है और कहता है कि तुम ये काम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम लोगों की रक्षा करना चाहते हो।
तभी डेविड एक पीली ड्रेस वाले आदमी को देखकर एलिजा को बताता है कि उसके पास गन है। यहाँ तक कि डेविड उसके पास मौजूद गन का कलर भी बता देता है। ये जानकर एलिजा पता लगाने के लिए उस आदमी का पीछा करने लगता है, जिससे वो आदमी काफी डर जाता है और एलिजा के रोकने पर भी नहीं रुकता। पर क्योंकि एलिजा के पैरों में चोट लगी थी, इसीलिए जब वो सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करता है तो जल्दबाजी में वो नीचे गिर जाता है। इससे उसे बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो देख लेता है कि भाग रहे आदमी के पास वैसी ही गन है जैसी डेविड ने बताई थी। इस बात से वो कहीं ना कहीं काफी खुश होता है। इधर डेविड घर पहुंचने के बाद एक्सरसाइज कर रहा था। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो अपनी लिमिट से काफी ज्यादा वेट उठा सकता है, जिस बात से वो खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ एलिजा की कई सारी हड्डियां टूट गई थी, जिसकी वजह से उसे हफ्ते भर हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। इसके बाद उसे कई महीनों तक फिजिकल थेरेपी में रहने के लिए कहा जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि उसकी फिजिकल थेरेपी के लिए कोई और नहीं बल्कि डेविड की वाइफ ऑड्री आती है। इससे एलिजा ऑड्री से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगता है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड कॉलेज के एक स्टार फुटबॉलर प्लेयर थे, लेकिन हमारा एक कार एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से वो दोबारा कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाए। और अगर शायद ऐसा नहीं होता तो हमारी शादी भी नहीं होती, क्योंकि फुटबॉल में हमेशा वायलेंस हुआ करता है और मैं अपनी लाइफ में ऐसा पार्टनर नहीं चाहती थी जिसे वायलेंस पसंद हो। नेक्स्ट सीन में जब ऑड्री घर पहुंचती है तो डेविड को भी इस बारे में बताती है। हालांकि ऑड्री को लगता था कि एलिजा की दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बातें करता है। तभी जोसेफ डेविड की गन लेकर डेविड को शूट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड डेविड एक सुपर हीरो है, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हालांकि डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जोसेफ उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसीलिए डेविड उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर तुमने गोली चलाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चला जाऊंगा। ये सुनकर मजबूरन जोसेफ हाथ में ली हुई गन टेबल पर रख देता है। इसके बाद डेविड एलिजा के पास पहुंचता है। एलिजा उसे बताता है कि तुमने उस आदमी के पास जैसी गन बताई थी उसके पास वैसी ही गन थी, साथ ही तुमने झूठ बोला था कि तुम कार एक्सीडेंट में घायल हुए जिससे तुम्हारा फुटबॉल करियर खत्म हो गया, बल्कि तुमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर तुम फुटबॉल प्लेयर बनते तो ऑड्री तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। लेकिन डेविड को इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो एलिजा से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे गोली मारने वाला था। इस पर एलिजा कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मर नहीं सकते। ये सुनकर डेविड बताता है कि मैं बचपन में एक बार स्विमिंग पूल में डूब गया था, इससे मैं मरते मरते बचा था, इसीलिए ये बात प्रूफ होती है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। इसके बाद डेविड अपनी वाइफ ऑड्री के साथ डेट पर जाता है और वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद डेविड को पता चलता है कि उसकी जॉब न्यूयॉर्क में लग रही है। इस बात पर ऑड्री उसे जाने के लिए कहती है, साथ ही समझाती है कि हमारा रिश्ता सुधर जाएगा, बस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद डेविड एलिजा को भेजा हुआ मैसेज चेक करता है, जिसमें एलिजा बताता है कि हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, साथ ही हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह उल्टे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम में एक चीज कॉमन है कि हम दोनों ही पानी में डूबकर मर सकते हैं। इससे ये तो पक्का हो जाता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मैसेज सुनने के बाद डेविड उस कार को देखने के लिए पहुंचता है जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन उसकी वाइफ ऑड्री गाड़ी में ही फंस गई थी, इसीलिए डेविड ने बहुत ही आसानी से गाड़ी के गेट को तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया था, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसके बाद प्रेजेंट में डेविड एलिजा को कॉल करके बताता है कि तुम सही थे, मुझे अपनी लाइफ में कभी भी कोई चोट नहीं लगी है, इसीलिए अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर वो उसे एक ऐसी जगह जाने के लिए कहता है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इससे किसी का भी ध्यान डेविड की तरफ ना जाए। अब डेविड ऐसा ही करता है। वहाँ पर उसे एहसास होता है कि वो किसी को भी छूकर उनके द्वारा किए गए सारे बुरे काम देख सकता है। फिर जब वो एक स्वीपर को छूता है तो उसे पता चलता है कि उस स्वीपर ने किसी आदमी को मारकर उसके घर पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंचता है। और क्योंकि स्वीपर वापस चला गया था, इसीलिए डेविड पूरे घर की तलाशी लेने लगता है और वहां पर घर के ओनर के बच्चे मिलते हैं, इसे स्वीपर ने बांध कर रखा हुआ था। अब डेविड उन बच्चों को आजाद कर देता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है।
फिर जब डेविड ओनर के रूम में पहुंचता है तो वहां पर उसे हाउस ओनर की वाइफ मिलती है जिसे बांध कर रखा गया था। डेविड उसे चुप रहने की सलाह करके वहां पर बने पूल के पास पहुंचता है, तभी वहां पर वो स्वीपर आ जाता है जो डेविड को धक्का देकर पूल में गिरा देता है जिसमें पॉलीथिन का कवर लगा हुआ था। इस वजह से डेविड उस पॉलीथिन में चारों तरफ से लिपट कर पानी में डूबने लगता है, लेकिन ओनर के बच्चे उसकी हेल्प करके उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद डेविड ओनर की वाइफ को टॉर्चर कर रहे उस स्वीपर पर अटैक कर देता है और उसका गला दबा कर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। लेकिन जब वो ओनर की वाइफ को आजाद करता है तो उसे पता चलता है कि वो अब मर चुकी है। फिर अगले दिन जब डेविड अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तो डेविड अपने बेटे जोसेफ को न्यूज़पेपर में छपी हुई एक हीरो की न्यूज दिखाता है जिसमें उस हीरो ने एक फैमिली को बचाया था और कहता है कि तुम सही थे। इस बात से जोसेफ बहुत ही ज्यादा खुश होता है। हालांकि डेविड उसे इशारा करके ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है। इस चीज के लिए जोसेफ तैयार हो जाता है। इसके बाद डेविड कॉमिक बुक्स के फंक्शन में पहुंचता है। वहां पर उसे एलिजा की मॉम मिलती हैं, जो डेविड से कॉमिक्स के बारे में बात करने लगती हैं। इस दौरान एलिजा की मॉम बताती हैं कि मेरे बेटे का मानना है कि विलेन दो तरह के होते हैं, एक वो जो फिजिकली फाइट करते हैं और दूसरे वो जो दिमाग से लड़ते हैं, लेकिन दोनों में दिमाग से लड़ने वाला ज्यादा खतरनाक होता है। यह सुनकर डेविड काफी हैरान होता है। फिर सब लोगों के जाने के बाद वो एलिजा से मिलता है जो उसकी छपी हुई न्यूज देखकर काफी खुश था, इसीलिए वो डेविड से हाथ मिलाता है। इससे डेविड को पता चलता है कि अब तक जितने भी बड़े हादसे हुए हैं उन्हें करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिजा ही है। इससे डेविड बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और क्योंकि एलिजा भी समझ गया था कि डेविड को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए वो कहता है कि जितने भी लोग मरे उनके मरने की वजह मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि अगर तुम मुझे पहले ही मिल जाते तो ऐसा नहीं होता। और अब मुझे पता चला कि मेरा अस्तित्व क्या है, क्योंकि हम दोनों ही पूरी तरह से अपोजिट हैं। इसीलिए अगर तुम एक सुपर हीरो हो तो मैं भी एक विलन हूँ। इसके बाद डेविड एलिजा के ऊपर केस कर देता है, जिससे एविडेंस मिलने पर उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो पागल हो चुका है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी देखने के बाद ये समझ आता है कि डेविड और एलिजा दोनों के पास एक दूसरे की अपोजिट पावर थी। अगर एलिजा की हड्डियां ग्लास की तरह कमजोर थीं, तो दूसरी तरफ डेविड की बॉडी उतनी ही मजबूत। और क्योंकि एलिजा को हमेशा से ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो उसके अपोजिट होगा, इसी चीज का पता लगाने के लिए उसने कई बड़े हादसे किए और अंत में उसने डेविड को ढूंढ निकाला। लेकिन तब तक उसे एहसास हो गया कि डेविड एक हीरो है और विलेन वो खुद, और वो अपनी इस हकीकत को बहुत ही खुशी से अपनाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।